नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट क्लासेज स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है संसदीय बिलों के बारे में। संसदीय बिल कितने प्रकार के होते हैं, द मोस्ट टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन वो इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संसदीय बिल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतया संसदीय बिल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइवेट बिल, एक होते हैं पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले जो प्राइवेट बिल है वो किसी भी मेंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है संसद में, कोई भी मेंबर है वो प्राइवेट बिल को संसद में ला सकता है। और जो पब्लिक बिल है उसको केवल और केवल मिनिस्टर्स ही, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उस पार्टी के मिनिस्टर्स ही केवल और केवल पब्लिक बिल को संसद में ला सकते हैं या उसको सुना सकते हैं। और प्राइवेट बिल है वो कोई भी मिनिस्टर के द्वारा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मिनिस्टर बिल सुनाता है पढ़कर तो वो बिल है वो पब्लिक बिल हो जाता है, प्राइवेट बिल नहीं रहता। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट बिल है वो जो अपोजिशन पार्टी है, वो लोगों के जो मत होते हैं, जो विचार होते हैं, जो लोगों की कंसेंट होती है, वो अपोजिट पार्टी उन लोगों की कंसेंट के बेसिस पर प्राइवेट बिलों को तैयार करती है। और जो पब्लिक बिल होते हैं वो पब्लिक बिल जो मिनिस्टर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो मिनिस्टर्स है वो अपनी समझ, अपनी सूझबूझ और देश की जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बिल है उसको तैयार करते हैं। प्राइवेट बिल है वो संसद में पेश करने से एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक है। आप लोग स्क्रीन पे कंटिन्यू देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट में बोल रहा हूँ वो आपके यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। जो प्राइवेट बिल है वो एक महीने पहले नोटिस देने पड़ते हैं कि हम संसद में ये प्राइवेट बिल है वो पेश करना चाहते हैं। और जो पब्लिक बिल होते हैं उनको भी संसद में डायरेक्टली पेश नहीं किया जा सकता, 7 दिन पहले पब्लिक बिल के रिगार्डिंग है वो संसद में नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा जो प्राइवेट बिल है उसके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो पब्लिक बिल होते हैं उसके पास होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि जो पब्लिक बिल है वो रूलिंग पार्टी के द्वारा ही, जो सत्ता में पार्टी है उस सत्ता में पार्टी के द्वारा ही पेश किया जाता है, तो उनकी मेजोरिटी है अधिकता होने के कारण जो पब्लिक बिल है उनके पास होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। जो प्राइवेट बिल है, जो मेंबर प्रस्तुत करता है प्राइवेट बिल को, उस मेंबर के द्वारा लोगों की राय के अनुसार खुद के द्वारा बनाया जाता है। और यही पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, और इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है और लगभग आप सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं अगर आपकी ये बात गलत हो जाए तो। कि पब्लिक बिलों को तैयार कौन करता है? पब्लिक बिलों को तैयार मिनिस्टर करते हैं, लेकिन डायरेक्टली मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाता। पब्लिक बिलों को लॉ डिपार्टमेंट की सलाह के बाद में तैयार किया जाता है। तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि पब्लिक बिल को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी होती है? लॉ डिपार्टमेंट की भूमिका होती है। तो ये था प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में अंतर। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजेबल टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा कि जो पब्लिक बिल है उसको लॉ डिपार्टमेंट की कंसेंट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि इन प्राइवेट और पब्लिक बिलों को फर्दर और ज़्यादा क्लासिफाई किया गया है, और ज़्यादा इसको डिटेल में बनाया गया है। तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, जो बिल है वो चार प्रकार के होते हैं। जो पहला बिल है वो होता है ऑर्डिनरी बिल, या जिसको साधारण बिल भी कहा जाता है। जो दूसरा बिल होता है वो है मनी बिल, जो धारा 110 के अकॉर्डिंग है जिसको बनाया गया है। पहले अपन देखते हैं साधारण बिल क्या होते हैं। फाइनेंशियल बिल के अलावा, वित्तीय बिल के अलावा जितने भी बिल होते हैं वो सारे के सारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, साधारण बिल होते हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं मनी बिल। मनी बिल क्या होते हैं? टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्स से संबंधित जितनी भी पॉलिसियां होती है उनमें बदलाव करना, उनमें चेंज करना, या कोई नई पॉलिसी लेके आना, इन सब के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज होती है उन सब में जो बदलाव करने के रिगार्डिंग जो बिल होते हैं उनको मनी बिल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता आप लोगों का फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? वे सभी बिल जो वित्त से संबंधित हो, वित्तीय बिल जिनको कहा जाता है, वे सभी बिल जो वित्त से संबंधित हो उन सभी बिलों को फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। और फाइनेंशियल बिल है उसके भी 3 प्रकार होते हैं।
जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। फाइनेंस एक बड़ा टर्म है, मनी एक छोटा टर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनी है वो फाइनेंस में आ सकती है। तो जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं, वित्तीय बिल होते हैं। लेकिन सारे के सारे फाइनेंशियल बिल है, वित्तीय बिल है, वो मनी बिल नहीं होते हैं। तो जो वित्तीय बिल है उनके तीन प्रकार, तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है मनी बिल धारा 110 के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट धारा 117 के अकॉर्डिंग, और सेकेंड नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल सेकेंड धारा 117 के भाग तीन के हिसाब से। ये तीनों के तीनों बिल है, इनमें अंतर है जो हम लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, इन तीनों में क्या अंतर है वो भी हम जानेंगे। और चौथा हमारा बिल आता है वो है कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, मतलब संविधान संशोधन बिल। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के संबंधित बिल। हमारा पिछला वीडियो धारा 370 वाला आप जरूर देखना, उसमें मैंने बताया है कि अब तक संविधान में टोटल 103 संशोधन हो चुके हैं, और 103वां संशोधन क्या था, 10% आरक्षण। और 10% आरक्षण किसको, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, मतलब पिछड़े हुए लोग, जो पैसे के हिसाब से पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए ये बिल बनाया गया था, 10% आरक्षण का बिल। तो ये 103वां अमेंडमेंट था जो 2019 में किया गया। तो हमारा पिछला वीडियो धारा 370 वाला देखना ना भूले। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साधारण बिल क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, इनको किस तरह से पेश किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो साधारण बिल होते हैं उनको 5 स्टेजेस के अंदर पेश किया जाता है। 5 स्टेजों को पार करने के बाद में एक साधारण बिल है वो पास होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो साधारण बिल है उसको 7 दिन पहले नोटिस देके संसद में पढ़कर सुनाया जाता है कि भाई ये साधारण बिल है, इस चीज़ों पर हम बिल बनाना चाहते हैं, एक्ट बनाना चाहते हैं। और उसके बाद में पहली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, पढ़कर सुनाने के बाद में दूसरी स्टेज में आती है डिबेट, डिस्कशन। जो भी ये बिल है इसके रिगार्डिंग अलग अलग डिबेट्स होती है, अलग अलग लोग अपनी राय देते हैं, अलग अलग लोग हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और फिर उन विचारों के अकॉर्डिंग जो साधारण बिल है वो एक नया रूप लेता है, नई शेप लेता है। उसके बाद में क्या होता है, तीसरे नंबर पे आता है कि जो बिल है उसको लोकसभा में पास करना पड़ता है सिंपल मेजोरिटी के साथ में। देखिए दोस्तों, मेजोरिटी दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी में जो प्रेजेंट मेंबर्स है उनका 66.67% वोटिंग है वो उस बिल के समर्थन में आनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक जो साधारण जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें 66.67% आना चाहिए, और जो ऑर्डिनरी जो मेजोरिटी है, साधारण मेजोरिटी है, उसमें 50% से ज़्यादा है जो उस बिल के पक्ष में होने जरूरी है, प्रेजेंट मेंबर्स होने चाहिए। जो मेंबर्स एब्सेंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर। तो पहले लोकसभा में पास होता है साधारण मेजोरिटी के साथ में, उसके बाद में ये बिल है लोकसभा में पास होने के बाद तीसरी स्टेज कंप्लीट, फिर चौथी स्टेज में इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी साधारण मेजोरिटी से ही इस बिल को पास करना बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल आवश्यक है। और अगर राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है तो ये बिल पास ही नहीं होता, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। राज्यसभा में भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उसके बाद में इस बिल को हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। राष्ट्रपति है वो इस बिल पर कंसेंट देता है, अपनी राय देता है, और इस बिल पर सिग्नेचर करने के बाद में ये बिल एक एक्ट बन जाता है। बिल जैसे अपने CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो अब CAA बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ही कोई बिल है वो एक्ट बनता है, और राष्ट्रपति के पास में बहुत ही स्पेशल पावर होती है। बहुत ही शानदार चीज़ है ये कि राष्ट्रपति उस बिल को अगर अपने जेब में रख ले तो वो बिल है वो खारिज माना जाता है, वो बिल फिर पास नहीं माना जाता। और जेब में इस रखने के अधिकार को जेबी निशेषाधिकार कहा जाता है। राष्ट्रपति के किसी भी बिल को जेब में रखने के अधिकार को क्या कहा जाता है, जेबी निशेषाधिकार कहा जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल पूरा हो चुका है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर के बिल की, मनी बिल की बात करते हैं। धारा 110 के हिसाब से या धारा 110 के अकॉर्डिंग कोई भी बिल है वो मनी बिल तभी होता है जब वो बिल टैक्स में कोई चेंज करना हो, उसमें टैक्स के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी उसको ख़त्म करना हो, उसमें अल्टर करना हो, या कोई टैक्स के संबंधित कोई पॉलिसी लेकर आना हो, तो उसी के रिगार्डिंग जो बिल होते हैं वो मनी बिल होते हैं। और मनी बिल को
संसद में पेश करना आवश्यक नहीं है, लोकसभा में, राज्यसभा का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर, लोकसभा में पेश करना मनी बिल को आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति की कंसेंट पर, सहमति पर ही इसको लोकसभा में ले जाया जाता है। अदरवाइज मनी बिल को पास करने की संपूर्ण अथॉरिटी है वो स्पीकर के पास में होती है। स्पीकर ने एक बार अगर मनी बिल को पास कर दिया तो उसके बाद में कोई भी उस बिल को रोक नहीं सकता। तो कोई भी बिल है वो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, ये डिसाइड कौन करता है? माननीय स्पीकर करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल मतलब वित्त से संबंधित जितने भी बिल होते हैं वो सारे के सारे कौन से बिल होते हैं? फाइनेंशियल बिल। और कोई भी बिल फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है ये कौन डिसाइड करता है? माननीय स्पीकर जी। तो फाइनेंशियल बिल है उसके तीन प्रकार हैं वो बताए गए हैं। पहला है मनी बिल, जितने भी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं धारा 110 के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट धारा 117 के अकॉर्डिंग, और सेकेंड नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल सेकेंड धारा 117 की भाग 3 के अकॉर्डिंग। तो मनी बिल में क्या होता है, जितने भी बिल हैं वो सारे के सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या आता है? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है उसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी केवल राष्ट्रपति की कंसेंट के अकॉर्डिंग, और जो प्रेजेंट मेंबर्स है उनकी सिंपल मेजोरिटी के साथ में, साधारण मेजोरिटी के साथ में, अधिकता के साथ में बिल को पास कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है फाइनेंशियल बिल सेकेंड धारा 117 के भाग 3 के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल, क्यों? क्योंकि यह बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास होना कंपलसरी है, और अगर दोनों में पास नहीं होता है तो वो फाइनेंशियल बिल बिल नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि राज्यसभा के पास में भी एक पावर है, वो कौन सी है? फाइनेंशियल बिल सेकेंड की धारा 117 के भाग 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें इस बिल को पास करना बहुत ही आवश्यक है, लोकसभा और राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी के साथ में, प्रेजेंट मेंबर्स की अधिकता के साथ में पास करना जरूरी है। इसके बाद में चौथा हमारा आता है संविधान संशोधन बिल, कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। ये क्या होता है? जैसे कि हमने अभी 10% आरक्षण दिया गया था बैकवर्ड लोगों को, 103वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि टोटल अब तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन जो बिल है उस संविधान संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ में पास करना जरूरी है, लेकिन संविधान संशोधन में कुछ एक बिल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उनको पास करने के लिए। तो संविधान संशोधन बिल है वो भी जो लोकसभा और राज्यसभा उसमें सिंपल मेजोरिटी के साथ में पास कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों बिलों के बारे में डिस्कस कर लिया, और इसके रिगार्डिंग और कोई भी प्रश्न इसमें नहीं बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी क्लास देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए भविष्य में ऐसी ही वीडियो बनाते रहे, इसके लिए मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।